नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल। अभी मैं सोनाली फोगाट के ढंडूर फार्म हाउस पर हूं और मेरे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व विधायक जयप्रकाश जी। इनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर, जो सोनाली फोगाट का जब अंतिम संस्कार हो रहा था, वहां शमशान घाट में एक कुलदीप बिश्नोई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि सोनाली तो मेरे से मिली थी और उनके समर्थक भी मेरा साथ देंगे, यानी उस अंतिम समय पर भी वो राजनीति करने से नहीं चूके। देखिए, आज मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ, मैं उनके परिवार के सामने शोक प्रकट करने के लिए आया हूँ। क्योंकि जिस तरीके से, जिन परिस्थितियों में सोनाली जी का कत्ल किया गया, वो बड़ा दुखदाई है। इसमें मैं राजनीति नहीं करूँगा। मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि कुलदीप जी का जो उस वक्त का वक्तव्य है, वो उनसे पूछो कि वो क्यों दिया गया, क्या कारण है, वो बताएंगे। वो इतने बड़े परिवार से हैं, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भी विधायक रह चुके हैं, और उस मौके पर वो ये कह रहे हैं कि सोनाली के समर्थक भी मेरा साथ देंगे आदमपुर उपचुनाव में। देखिए, इस मौके पर राजनीति किसी ने भी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इस मौके पर राजनीति करता है, मैं सोचता हूँ कि उसको व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। जी, क्या ये जो सोनाली का मर्डर हुआ है, ये राजनीतिक कत्ल है या ये सिर्फ इसके पीछे ओनली सुधीर है? नहीं, सुधीर नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरीके की बातें मैंने आज सुनी हैं परिवार के लोगों से, अब यहाँ से बुलाना, उनका ट्वीट हैंडल अकाउंट चेक करना चाहिए, यहाँ से चंडीगढ़ लेकर के जाना, चंडीगढ़ से गुड़गावा लेकर के जाना, गुड़गावा से गनमैन को ड्रॉप करना, उसके बाद गोवा लेके जाना, गोवा में अलग अलग टिकटें बुक हैं, उनके जो कार्ड बनते हैं वो कार्ड, और फिर वहाँ कमरे, और जिस तरीके का ये सारा आपने देखा है ड्रामा रचा गया। खाली एक, अगर एक व्यक्ति ने किसी ने कत्ल करना हो, अगर सुधीर ने भी, मेरी अपनी राय है, मेरी अपनी सोच है, ये तो यहाँ भी कर सकता था जी। तो ये जो ड्रामा रचा गया है, देश की जनता, विशेष तौर से हरियाणा प्रदेश के लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई, अगर कत्ल तो देखो कहीं भी कर सकते थे वो, जब इतने कॉन्फिडेंस के उनके पिए तो देखो पर्सनल होता है, और वो तो यहाँ भी कर सकता था। तो हमारी मांग है, मेरी व्यक्तिगत मांग है कि इसके पीछे क्या है, ये सरकार, ये जो हमारे मनों में शंका है, उस शंका को लोगों के सामने बताए कि क्या है। सरकार अभी तक सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया है, तो कहीं आपको लग रहा है इसमें पॉलिटिकल लोगों का ही हाथ है, इसीलिए सरकार भी इस मामले से बच रही है? देखो, ये अभी जांच का विषय है, लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा, और हम सरकार के ऊपर भी दबाव डालेंगे, मुख्यमंत्री से मैं अनुरोध भी करूँगा, क्योंकि ये दो पहलू हो जाएंगे इसमें। एक तो ये पहलू जुड़ेगा कि जैसे एक FIR वहाँ दर्ज है, परिवार के लोगों से भी हमने बात करी, और मैं खुद भी कह रहा हूँ कि इन्होंने अच्छे वकील यहाँ भी करने चाहिए, क्योंकि कई बार मैंने देखा है, आपने देखा होगा, कई बार अपहरण होते हैं, अपहरण हो गया हिसार से और उसका कत्ल कर दिया जा करके कहीं बाहर, फिरौती को लेकर के होते हैं, आप तो खुद देखते हो, तो FIR तो यहाँ दर्ज होती है ना, तो उनको लेकर के, इस कत्ल के लेकर के जिस तरीके से प्लान बनाई गई, तो प्लानिंग यहाँ से शुरू हुई है, हिसार से। जी, प्लानिंग यहाँ से शुरू हुई है, मुझे ऐसा लगता है। कांग्रेस की तरफ से भी मुख्यमंत्री से मुलाकात करके कुछ कहा जाएगा कि सीबीआई जांच इसकी? देखिए, मैं आज एज कांग्रेस मैन नहीं बोल रहा हूँ, मैं एज सामाजिक आदमी बोल रहा हूँ। मेरा एक दायित्व था यहाँ पर रहना, क्योंकि मैं भी समाज का एक सदस्य हूँ, और इस परिवार के साथ बड़ी जाति हुई है, बड़ी अनहोनी हुई है, और पोलिटिकल लोगों को के कत्लों को अगर इस तरीके से दबाया गया, तो उसमें हम सब लोग शामिल हैं, फिर कल को कोई हमारे साथ भी कर जाएगा। सोनाली फोगाट से मुलाकातें आपकी हुई थी कभी? ना, मेरी कभी नहीं। जी, नेवर, जिंदगी में। जी, ये थे हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व विधायक जयप्रकाश जी। इन्होंने कहा है कि सोनाली फोगाट की जो हत्या है, वो एक राजनीतिक कत्ल है, और सरकार को जल्द से जल्द इसकी CBI जांच करवानी चाहिए। मैं आपका दोस्त करमपाल। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।